सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे हमें आपको बताने वाला हूँ YGDX एक शानदार ट्रिक के बारे में, जहाँ दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसमें काम कर लेते हो तो यहाँ से मैक्सिमम चांस बनेगा कि आप एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कर सको। सबसे अच्छी बात दोस्तों कि ये ट्रिक बिल्कुल सेफ होगी और यहाँ पर दोस्तों इजीली आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं जिस ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस कॉइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल स्टेबल कॉइन है। यहाँ दोस्तों आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसके थ्रू दोस्तों आपको बाइंग जोन के बारे में पता चल जाएगा, और फिर दोस्तों आप इसे बाई करके आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है, और दोस्तों साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक करने से एक मोटिवेशन हमारी बनी रहेगी और मैं आपके लिए दोस्तों इसी तरह की वीडियो और भी लाता रहूँगा। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां दोस्तों इस कुछ टाइम पहले मैंने काफ़ी सिग्नल दिए थे, और आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारी सिग्नल, लगभग 99% सिग्नल यहां पर हिट हुए और सभी दोस्तों यहां पर प्रॉफिट पे चल रहे हैं। तो हमारी दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरह का अपडेट आपको दिया जाएगा। जो भी दोस्तों मेजर इवेंट्स होंगे, जो भी दोस्तों न्यू ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं, वो सारे दोस्तों हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके लिए दोस्तों किसी तरह का आपको पैसे नहीं देने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से इन सभी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ट्रिक के बारे में आपको बताऊँ तो सिंपल दोस्तों, आपको इस ट्रिक को अपनाना है USDT INR पे। USDT INR पे इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लैक्चुएसन नहीं होता है, और इस कारण से दोस्तों आप यहाँ पर इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। फंड के बारे में आपको बताऊँ तो लगभग दोस्तों 50,000 से 1,00,000 के अगर फंड होती है तो दोस्तों आप अच्छा अर्निंग यहाँ पर आप कर पाओगे, और इसके लिए दोस्तों आपको YGDX में अकाउंट होना जरूरी है। तो YGDX में दोस्तों अपना अकाउंट जरूर ओपन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों करने से हमारे लिंक पे क्लिक करके अगर अकाउंट बनाते हैं तो 20% लगभग दोस्तों कुछ आपको परसेंटेज यहाँ पे ट्रेडिंग फीस में दोस्तों कुछ आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। अब सिंपल दोस्तों अकाउंट बना लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को यहाँ पर मैंने डाला है, एक इंडिकेटर को डाला है, तो इसके थ्रू दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपको बाइंग जोन को एक्यूमुलेट करनी है। फिर से दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ट्रिक को दोस्तों USDT INR पे करनी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि USDT INR पे जब भी 72 रुपये USDT 73 रुपये आती है तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी देखो तो कहीं ना कहीं दोस्तों कन्फ्यूजन बना रहता है कि कहाँ से दोस्तों यहाँ पर इसे बाई करनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ रूल्स पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपको फॉलो करना यहाँ पर ज़रूरी है। पहली दोस्तों कि यहाँ पे आपको ग्रीडी नहीं बनना है, सिंपल दोस्तों जैसे ही आपको प्रॉफिट आता है अपने प्रॉफिट को यहाँ पे आपको बुक करना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा, जो बाइंग जोन बताऊंगा, उसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ये नहीं कि आपको अचानक से आपको ये प्राइस मिला और आप अचानक से ग्रीडी होकर फिर से दोस्तों तुरंत आपने बाई कर लिया। होता क्या दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं एक फोमो क्रिएट होती है, उस फोमो में अचानक बहुत सारे लोग फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे अब हम। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे मूविंग एवरेज को। पहले दोस्तों आपको YGDX में अकाउंट बना के ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे INR पे क्लिक करके USDT INR दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं USDT INR पर जब आप सर्च करेंगे तो इसकी दोस्तों चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैक्सिमम लोग इस चार्ट पैटर्न को नहीं समझते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं भी समझते तो भी दोस्तों अब आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ के अच्छे से ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये दोस्तों ये चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह का दोस्तों यहाँ पर एक मूविंग एवरेज दी हुई है। मूविंग एवरेज मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रस्सी के समान दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कर्सर के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रस्सी के जैसे दोस्तों यहाँ पे दो लाइनें यहाँ पे बनी हुई है जो इस तरह से आती जा रही है। तो दो तरह की दोस्तों आपको लाइन यहाँ पे दिख रही होगी। कैंडल दोस्तों मत देखिए, आपको सिर्फ ये दो लाइनें देखनी है। पहली दोस्तों येलो है, दूसरी दोस्तों यहाँ पर रेड यहाँ पर दी हुई है। तो इस लाइन को लाने के लिए सिंपल दोस्तों पहले आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो कि मैं कर्सर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपको जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा। सिंपल दोस्तों आपको यहां पर सर्च करनी है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का एक मूविंग एडिज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि रस्सी के समान आपको देखने को मिलेगी। सिंपल दोस्तों इसके थोड़ा सा यहाँ पे जो मूविंग एडिज आपने यहाँ पे डाला था ये दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं MA9 यहाँ पर दी हुई है। तो इस मूविंग एवरेज को दोस्तों मूविंग एवरेज 9 इसे यहाँ पे बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसी सेटिंग के ऑप्शन पर आपको चला जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों इसी थोड़ा सा हमें कर देते हैं डीप, ताकि ये आपको समझ में आ सके। डीप करने के लिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल दोस्तों इसमें आप क्लिक करेंगे, कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं इसे ब्लू ही यहाँ पर रहने देता हूँ। इसकी दोस्तों जो लाइन है इसे दोस्तों मैं थोड़ी मोटी कर देता हूँ, ये मोटी हो गई, सिंपल दोस्तों अब इसे हम हटा देंगे। तो ये मूविंग एवरेज दोस्तों 9 की मूविंग एवरेज मैंने ली है 9 की, यहाँ पर देख सकते हैं MA9। अब हम दोस्तों फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ दोस्तों हम फिर से उसी मूविंग एवरेज को यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे दिख गई है, सिंपल दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे दोस्तों हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोस्तों ये मूविंग एवरेज फिर से हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अभी जो हमने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट की थी वो ब्लू थी, लेकिन अभी दोस्तों एक स्काई कलर की यहाँ पे आपको देखने को आएगा, एक मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्काई कलर की है। इसमें दोस्तों हम फिर से क्लिक करके सेटिंग के इस ऑप्शन पे चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। सिंपल सेटिंग के इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसकी कलर को दोस्तों पहले आप यहाँ पर चेंज करते ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो इसे दोस्तों मैंने रेड कर दिया है और इसकी भी लाइन को हम थोड़ी मोटी कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें हटा देंगे। साथ में कलर चूज करने के बाद दोस्तों इसे हम कर देंगे 21, वो 9 थी दोस्तों ये होगी आपकी 21। तो ये दोनों चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान दें, मूविंग एवरेज आपकी 9 की और 21 की यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ओके की इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों दोनों मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब दोस्तों दोनों मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले दोस्तों अब आपको यहाँ पे चार जो कैंडल स्टिक है इसके दोस्तों कितने आवर की आपको लेनी है वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ पे दोस्तों 1 आवर है, 2 आवर है, 4 आवर है, तो मैं दोस्तों 2 आवर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि दोस्तों जितने स्ट्रॉन्ग चार्ट होती है, जितने टाइम फ्रेम की ज़्यादा होती है, उतनी चार्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनती है। तो यहाँ पर मैं 2 आवर का यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप इसे बाइंग कैसे कर सकते हो। बाइंग जोन को दोस्तों समझने के लिए सिंपल दोस्तों हम थोड़ा सा चार्ट के थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री पे जाते हैं, हिस्ट्री के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों हम यहां पे समझेंगे किस तरह से आप यहां पे बाई कर सकते हो। यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज जो रस्सी के समान आपको दिख रही है, ये दोस्तों है आपकी, ये दोस्तों 9 की मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज 9 MA9 आप यहाँ पे देख सकते हो। MA21 दोस्तों रेड कलर की है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। सिंपल दोस्तों आपको कब बाय करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट डाउन आती है, डाउन आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट हमें थोड़ा सा इसकी जब ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू मूविंग एवरेज है, वो दोस्तों रेड को जब क्रॉस करके ऊपर जाती है, तब दोस्तों आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज है रेड कलर को क्रॉस करके ऊपर जाती है, मार्केट दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी ऊपर देखने को मिलता है। तो सिंपल दोस्तों अगर आपने इस ब्लू कलर की मूविंग एवरेज जैसे ही आपकी रेड कलर को ऊपर करती है, तो आपको यहाँ पे कर लेना है बाई। अगर बाई के बारे में बात करें तो 73.52 रुपये में या फिर 60 पैसे तक में आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, या फिर आपने बाई किया हो। और इसके बाद दोस्तों आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बेच देनी है इंस्टेंट, तो 74.40 रुपये लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट में दोस्तों आपको यहाँ पर बेच देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 रुपये का लगभग आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 73.50 रुपये से 74.50 रुपये तक इजीली यहाँ पर मार्केट गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर बेच के प्रॉफिट आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट आपका हो चुका है। अगर 1000 USD से आप ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 1000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो गया हो। अब फिर से दोस्तों हम देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज फिर से कितने वर्क कर रही है। सिंपल दोस्तों अब हमको यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे दोस्तों आपको समझना अच्छे से जरूरी है। तो फिर से दोस्तों ब्लू मूविंग एवरेज जो है वो रेड के ऊपर से क्रॉस करती हुई ऊपर गई है। जैसे ऊपर गई आप चाहे तो 74.20 रुपये में बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 74.87 रुपये में आपको यहाँ पर सेल करने का मौका मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंस्टेंट आपको सेल कर देना, तो ये दोस्तों आप सेल करके प्रॉफिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से हमें यहाँ पर ब्लू मूविंग एवरेज ऊपर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू मूविंग एवरेज यहाँ पर ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीक बनाते हुए फिर से ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद अगर आप 74.20 रुपये वहाँ बाई कर लेते हैं, तो लगभग आपको मौका मिलता है इसे सेल करने के लिए 76.20 रुपये तक।
तो 2 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाता है। 1000 USD से आप यहाँ पर 2000 रुपए का लगभग प्रॉफिट आप यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि USDT INR दोस्तों काफी स्टेबल कॉइन है, इसमें दोस्तों आप बराबर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि वो कितने पे बाइंग करे, कहाँ पे दोस्तों बाई करे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर कि इस मूविंग एवरेज के थ्रू यहाँ पर आपको बाई करने का अच्छा आइडिया आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 74 रुपये से फिर से मूविंग एवरेज, यहाँ पर ब्लू मूविंग एवरेज रेड कलर को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है। यहाँ पर अगर आपने फिर से बाई कर लिया तो 74 रुपये 60 पैसे में सिंपल दोस्तों आप यहां पर कितने लंबे प्राइस में आप सेल कर सकते थे, आप यहां पर 77 रुपये 78 तक में आप यहां पर सेल कर सकते हो। तो यही पे बता रहा हूं कि यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ जाती है, और जब ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ जाती है तो इंस्टेंट आप प्रॉफिट यहां पर अच्छे कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन आप बार बार देखेंगे कि जब भी इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है मार्केट का प्राइस थोड़ा बढ़ता है, और इस बढ़ती प्राइस में आप चाहे तो बेनिफिट यहां पर ले सकते हो। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी सबसे अच्छा प्रॉफिट आपको कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट दोस्तों अगर इसकी डाउन ट्रेड में चल रही है। थोड़ा सा दोस्तों अगर आप यहां पे देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेड पकड़ चुकी थी, और यहां पर आने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा दोस्तों यहां पर सिग्नल दी। और जैसा कि मैंने आपको जितनी डीप में ये सिग्नल आपको मिलेगी उतना बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो ये काफ़ी डीप में दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है बाइंग की 74 रुपये 17 पैसे लगभग में, या फिर 74 रुपये 20 पैसे में। अब दोस्तों आप कितने में सेल कर सकते हो, लगभग इसे आप चाहें तो 75 रुपये 20 पैसे में या 30 पैसे में सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, तो यहाँ पर फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है 74 रुपये लगभग 75 रुपये पे। बेचने की बात करें तो 76 रुपये 20 पैसे तक में आप इसे सेल कर सकते हो। तो 1000-2000 USD के हिसाब से आराम से आप यहाँ पर महीने का अगर देखा जाए तो लगभग आपको 30-35-40-50 हज़ार का प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर पहला आपको ग्रीडी नहीं बनना है। एक बार ट्रेड लेने के बाद हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपको मिलेगी, तो एक बार ट्रेड लेने के बाद बार बार मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। कम से कम 2 दिन के लिए अपने हाथों को कंट्रोल में रखना है। दूसरे दोस्तों आपको अपना अमाउंट तय कर लेना है कितने के अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग रिस्की होती है। लेकिन USDT INR दोस्तों काफ़ी स्टेबल कॉइन है। 72-73-75 रुपये में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर जब भी इस तरह का चांसेस मिलता है तो मूविंग एवरेज के थ्रू आपको बाइंग जोन एक्यूमुलेट करनी है, और यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंत में यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दोस्तों एक मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से ऐसी ही ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, और इस ट्रिक को दोस्तों आप किसी भी कॉइन पर आजमा सकते हैं, मैक्सिमम चांस बनेगा कि आप प्रॉफिट कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिक के बारे में, लेकिन इस वीडियो पर मुझे अच्छे लाइक चाहिए तभी दोस्तों मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।